नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायगढ़ में लिव इन लव और धोखा, यहां लिव इन में रह रही युवती की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। वो लड़की दानिश खान के साथ लिव इन में रह रही थी। दानिश ने प्रेमिका से शादी का वादा किया था, लेकिन आरोपी दानिश के मोबाइल ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। मृतका के भाई का आरोप है कि दानिश ने उसकी बहन को टैबलेट दी, जिस दवाई से उसकी हालत ऐसे बिगड़ी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप भी देखिए मौत से पहले दी गई मृतका की गवाही, जिसने दानिश की हैवानियत का वो राज खोला जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। फ्रेंडशिप में फरेब का जाल, मोहब्बत में दगाबाजी की कहानी, मोबाइल ने खोला बेवफाई का राज। FIR में कैद मौत का सच, दगाबाज दानिश, लिव इन लव धोखा। एक और लव जिहाद, ये मोहब्बत की वो कहानी थी जिसमें फरेब छुपा था, ये इश्क का वो जाल था जिसमें दगाबाजी थी, दगाबाज दानिश का वो सच जो लड़की मौत से पहले अपने बयान में दे गई। जिस वीडियो में उसने मौत से पहले दानिश के फरेब की कहानी सुनाई थी, FIR में कैद उसी सच को बताते हैं। 2 साल पहले एक ऐसी लव स्टोरी जिसका दी एंड खौफनाक है। दरअसल रायगढ़ के दानिश की मुलाकात एक लड़की से हुई, पहले दोस्ती और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 2 साल से 27 साल का दानिश खान लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, जिसने वादा किया था कि वो लड़की से शादी करेगा। हाँ, एक महिला थी और इनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पति के रूप में। दरअसल ये प्यार में फरेब की बिसात थी, लिव इन रिलेशनशिप में धोखे के सिवाय कुछ नहीं था। लड़की दानिश का मोहरा बनी, जिसे ये पता ही नहीं था कि वो जिस पर यकीन कर रही है वो तो फरेबी है। दरअसल दानिश ने लड़की से ये बात छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है, जिसकी बेवफाई का राज खोला दानिश के मोबाइल ने। मोबाइल में बेवफाई के सबूत थे। दानिश के शादीशुदा होने का पता चलते ही लड़की के सपने चकनाचूर हो गए। आए दिन दोनों के बीच विवाद होने लगा। लड़की प्रेग्नेंट थी, आरोप है कि गर्भपात कराने की दवाई दानिश ने लड़की को खिलाई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बिलासपुर सिम्स में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मर्ग डायरी बिलासपुर के सरकंडा थाने इलाके से रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में पहुंची। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज इलाके में 2 साल से दानिश और लड़की दोनों लिव इन में रह रहे थे। पुलिस लड़की की संदिग्ध मौत के मामले की जांच कर रही थी और फिर दानिश पर 304 का मामला दर्ज हुआ। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है। दानिश और मृतका दोनों के मजहब अलग थे, क्या दानिश ने अपनी पहचान सही बताई थी या फिर इस मोहब्बत के खेल में लव जिहाद की बिसात थी? लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायगढ़ में लव जिहाद को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। गर्भपात के बाद युवती की मौत में बड़ा खुलासा हुआ। युवती की मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। मृतका ने वीडियो में बताया है कि दानिश बहुत पीटता था,
हमारा एक बच्चा भी था जो सिर्फ दो दिन हमारे साथ रहा। मुझसे डॉक्यूमेंट में साइन कराकर बच्चे को दे दिया। दानिश ने बच्चे को किसी को दे दिया। वीडियो में दानिश को कड़ी सजा देने की मांग पीड़िता के द्वारा की जा रही है। दानिश के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह जगह से चोटे मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसे ये बीवी थी, लाइफ शादी से दबा रही थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता। मैं भाग के आई तो मैं बच्ची से मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार्क के अभी तक दाग रखे हुए हैं, उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। वो किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त हर जगह हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता कि मैं उसकी ज़िंदगी से क्यों गई। मेरी भी लाइफ है। जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। सही, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ सर, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो अब एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है सर। अभी वाली नहीं है, पुरानी वाली है। मेरे को उससे कोई सा बात नहीं रखना सर, मेरे को बस उससे अलग हो के रहना। वो नहीं अलग होने देता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे इंसाफ से। एक और बात सर, मेरी माँ है बस, मेरे भाई है और मेरी भाभी है। मेरा भाई मुझे अभी कुछ दिनों से पसंद ही नहीं करता था। आज देखिए, जब मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा भाई मेरे लिए दौड़ते आया है। उस दानिश खान को थोड़ी फर्क पड़ता है सर, जो यूज़ करके छोड़ दिया। माँ बाप में सिर्फ बाप ही है, मेरी माँ भी एक्सपायर कर दी सर। थोड़ा सा उसके लिए कॉपरेट कर दिया, मैं उसे कभी नहीं रहती थी। उसकी वजह से ऐसे बदनाम, हर किसी को फ़ोन करके मैसेज करके बोलता है कि तुम लोग राखी के साथ क्यों घूमते हो। सही है, मेरी ज़िंदगी, मैं किसी के भी साथ घूमूँ? मेरी फैमिली मना नहीं की आज तक, वो कौन होने वाला है सर? देख लीजिए सर, मेरे हाथों को कैसे हो गया मेरा हाथ, सेकंड वाला हाथ देखिए सर। ये उसकी वजह से काटना पड़ गया था सर, ये देखिए। बहुत मारा है सर, मेरा सर सूज गया है। ये बचपन का है, ये अभी कभी भी कहीं भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं है। दानिश खान बहुत बेकार इंसान है सर, मुझे इंसाफ दिला दीजिए बस, मुझे जीने नहीं देगा सर। मैं एक कन्फेशन और करना चाहूँगी। उसके साथ रहते रहते मेरा एक बेबी था, वो भी दो दिन ही मेरे साथ रहा था। फिर तीसरे दिन हम लोग घर जा रहे थे, वो मेरे को बता दिया था उसको दे दूंगा, लेकिन तब भी बोलता था चल नहीं देंगे, तेरे साथ में रखेंगे घर के। और मैं हॉस्पिटल में ही थी तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने साइन करवाए थे, और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। तो बहुत रोई थी सर, चिल्ला के, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कल ला दे दूंगा और तुम्हारे साथ रखूंगा सर, कभी नहीं बोला। एक रूम में मेरे को ताला लगा के जाता था सर। सीजर में मेरी बीबी हुई थी, उसको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया सर, बल्कि आगे मैं ये बोलती थी कि तुम बच्ची हो, कब लेके आओगे, जल्दी ले आओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बेबी को दे दिए ना, और कितने बार लाएंगी। फिर एक दिन ये भी बोला सर, क्या तेरी बेबी का जलसा हो रहा है, तू भी दारू भी बैठ कर करके। और दूसरी बात ये सर, मैं घरांत लड़की हूँ सर, मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, ये लोग मुझे रियल पेरेंट्स से भी बढ़कर प्यार दिए, आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं सर। और प्लस ये भी कि मैं इतनी गलतियों करने के बाद भी मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ सपोर्ट है,
मम्मी नहीं है सर, मेरी भाभी पापा और भैया है बस, इसके अलावा कोई नहीं है सर। प्लीज़ सर मेरे को जितना हो सके उतना उस लड़के से दूर करें। बीच में ही कॉल करके परेशान किया था, दूसरे दूसरे लड़कों को मारता था, उन्हें मेरे को फ़ोन करके बोलते थे तेरा दानिश भरा भरमता है तेरे लिए। सर ये मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, दानिश अब भी मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज़ सर उसको मना कर दीजिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं सिवाय मेरे जवान फैमिली के सर। तो इस पूरे लव जिहाद के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ। युवती को आप सुन रहे थे, पीड़िता को सुन रहे थे, मृतका को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रही थी, किस तरह से उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, एक एक बात उसने बताई है और सजा की मांग उसके द्वारा की गई है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर उसके भाई ने, मृतका के भाई ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम रीतियों को अपनाने का दबाव बना रहा था, ये आरोप उसके भाई द्वारा लगाए गए हैं, मृतका के भाई द्वारा लगाए गए हैं। हत्या करने के लिए दानिश ने दवा खिलाई थी, ये आरोप मृतका के भाई ने लगाए हैं और ये भी कहा है कि अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे असंतुष्ट हूं। मैं बताना चाहता हूं, दानिश ने बहुत ही सोची समझी चाल के तहत मेरी बहन को उसने बहुत ही चालबाजी से उसने फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया। उसने अपने शादीशुदा की जानकारी छिपाते हुए उसने उसे गर्भवती कर दिया। गर्भवती करने के बाद उसने घर से दूर कर दिया। दूर करने के बाद उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना, मुस्लिम कृत्यों को अपनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको प्रताड़ना करने लगा और जानवरों की तरह मार पीट कर उसे एक दिन घर से निकाल दिया। इस बीच में उसकी बच्ची हुई थी जिसे उसने कहीं बेच दिया या किसी प्रकार का हत्या कर दिया, जिसे वह ब्लैकमेल ही करके कि मैं तेरी बच्ची को रखा हूँ करके वह हमेशा उसको ब्लैकमेल कर अपने गलत परिणामों को पूर्ण करता था। फिर उसने एक दिन मार करके जब घर से भेज दिया था, तब वह दिल्ली में कुछ दिन रही। उसके पश्चात सीधा हमें सिम्स में मिली, जहाँ उसी उसे दानिश ने गोली खा के हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के लिए उसे गोली खिलाई थी, जहाँ उसकी हालत बहुत गंभीर होती गई। वहाँ किसी प्रकार का पुलिस का समर्थन नहीं मिल पाया और आज भी जैसा धारा लगा है, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्रवाई हो कि हर बहन की इससे सुरक्षा हो सके, अपराधी डरे। इसमें सर्वप्रथम जिस मुझे कोई सहायता नहीं मिली थी, मैंने हमारे मोहल्ले के पार्षद विवेक सोलंकी जी से मैं संपर्क किया और उन्होंने मेरी सहायता का आश्वासन करते हुए उन्होंने मार्गदर्शन किया। हाँ, गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाए थे जिस पर पुलिस ने उसकी वयस्कता को देखते हुए वो उसकी बयान पे अड़े रहे। अच्छा, अभी क्या आप कार्रवाई संतुष्ट है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि उस पर पूर्णतः हत्या का आरोप लगे और ये हत्या जो है, जिस प्रकार से पीड़ा से बच्ची का देहांत हुआ है, वह उतनी ही कड़ी कार्रवाई हो ताकि आने वाले हर बच्ची हर बहन सुरक्षित रह सके। मैं आज एक भाई बन के लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह अपराध पूरी तरह से मिट जाए। तो मुस्लिम रीति रिवाजों को अपनाने का दबाव दानिश बना रहा था मृतका पर, लगातार मारपीट कर रहा था। यह बयान जो है मृतका के भाई ने दिया है और साथ ही कहा है कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है धाराएं बढ़ाई जाएं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता ओपी चौधरी का भी बयान आया, ये पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है। उनका कहना है युवती को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, युवती को मार दिया गया, जो बच्ची पैदा हुई वो गायब हो गई। पीड़ित परिवार को मदद दिलाएं, परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। साफ केस है, उसे गर्भवती प्रेग्नेंट करके उसको लोक लाज के डर से भगाया गया, फिर एक बच्ची पैदा हुई वो गायब हो गई, मृत्यु उसको मार दिया गया। क्या हुआ उसका, उस बच्ची को, उस बहन को कभी नहीं बताया गया। वो खुद मरने के पहले वीडियो जारी करके ये बात बोली है, अपने भाई को वीडियो दी है। इसके बाद उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा। आज महज 304
एक ही गैर इरादतन हत्या का मामला बस दर्ज किए हैं। पीड़ित परिवार मांग कर रहा है हत्या के की धारा 311, 312, 313 के अपराध कायम किए जाएं, और पीड़िता के परिवार ने तो पुलिस पर अविश्वास जताते हुए कहा है कि न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया जाए, माननीय हाई कोर्ट की निगरानी में जाँच चले। और आज पूरे प्रदेश में जो तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है उसी का परिणाम है कि हर जगह लव जिहाद जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं और छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के समाज को बर्बाद किया जा रहा है। तो वहीं इधर आप सुन रहे थे बीजेपी नेता ओपी चौधरी को, जिनका बयान आया और उन्होंने कहा कि पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है और युवती को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा और जो बच्ची पैदा हुई वो भी गायब हो गई, इस पर भी उन्होंने बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस पर परिवार वालों को भरोसा नहीं है, इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। रायगढ़ कांड में सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान आया है, बीजेपी इसे लव जिहाद का एंगल दे रही है। यह बयान सुशील आनंद शुक्ला का है, दवाई खाने के बाद युवती की तबीयत बिगड़ी, दोषी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। बीजेपी के नेता गिरी मानसिकता दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन है और इस कारण निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। जो रायगढ़ का मामला है जिसमें युवती की मौत हुई है बिलासपुर में, युवती का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वह प्रेग्नेंट हो गई, उसका दोनों ने प्रेगनेंसी गिराने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जिसके कारण उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, इलाज के दौरान उसकी बिलासपुर में मौत हो गई। इस मामले में दोषी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको लव जिहाद से जोड़ के अपनी गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरपाल सिंह खूटे जुड़े हुए हैं रायगढ़ से, तो वहीं युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी, एक बार फिर से एक बेटी, एक युवती लव जिहाद का शिकार हुई है, प्रताड़ना का शिकार हुई है और रूह कपा देने वाली यह तस्वीर जो सामने आई है, इसमें मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया, आखिर कैसे? ये वीडियो आने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? देखिए ऋतु, जिस तरह से मामला प्रकाश में आया है बिल्कुल दिल दहला देने वाला मामला है और इस तरह की घटना की निंदा भी हो रही है। और जिस तरह से वीडियो अभी फिलहाल पीड़िता ने जो सामने आए हैं उसके बाद तो स्पष्ट हो जाता है कि मामला जरूर कुछ संदेहात्मक शुरू से रहा है और अब इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है। जिस तरह से बीजेपी ने एसआईटी गठन करके विशेष जांच की मांग की है और परिवार वालों को पुलिस पर भरोसा नहीं होने का बयान बीजेपी ने जारी किया है, ठीक उसके उलट जो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी को इस तरह से गिरी हुई मानसिकता का परिचायक बताया है। और जो पूर्व जो कलेक्टर हैं, आईएएस अधिकारी हैं ओपी चौधरी, उस पर भी जो निशाना साधा है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि सत्ता प्राप्ति के लिए महज इस तरह से मामला को लव जिहाद में जोड़ना बिल्कुल गिरी हुई मानसिकता का निशानी है। तो ये कहा जा सकता है ऋतु कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के मामले हैं लगातार प्रकाश में आते जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष का निशाना साधना भी लाजमी है और उसको लेकर के हमला हो भी रहा है, लगातार कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि इसे बेवजह से तूल दिया जा रहा है, लव जिहाद का मामला है उसे जोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से अभी वीडियो आए हैं बिल्कुल कहा जा सकता है कि गैर इरादतन जो हत्या का मामला है उस धाराओं को बढ़ाने की जरूरत है और जिस तरह से विवेचना में इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है पुलिस मामला को और भी बढ़ाए, धारा को और भी बढ़ाए, लेकिन अभी ये वीडियो है वो बिल्कुल रूह कपा देने वाली है, लोगों के जहन में ये बात है बिल्कुल उतर नहीं रही है। तो जरूरत इस बात की है कि जो विवेचना है वो और भी किया जाए ताकि जो पीड़िता है, जो मृतिका है, उसको न्याय मिल सके। जी जी ठीक, आप लगातार बने रहिए, हरपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये युवती जो थी युवक के साथ, इस दानिश के साथ कितने लंबे वक्त से थी, क्या पुलिस का कहना है, जब बच्चा गायब हुआ वो कब हुआ, कब से प्रताड़ना का शिकार हो रही थी और कब से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, कितने लंबे वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा था और कौन कौन जानता था इसके बारे में? जी, जिस तरह से अभी तक जो बयान सामने आए हैं, पीड़िता ने खुद अपने मरणोपरांत मरणों
से पहले जो है मरण सैया पर थी, तब उन्होंने जो वीडियो जारी किया था, अपने भाई को वीडियो भेजी थी, उसमें जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसमें दानिश के ऊपर सरासर आरोप लग रहे हैं कि छोटी बच्ची को उसने जो है छुपा कर रखा और बच्ची के पैदा होने के बाद से उसे मां के से अलग कर दिया। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने पूरे मामले में जब अभी जांच चल रही है तो इसमें पुलिस का कहना है कि लगभग जो है 2 साल से दोनों प्रेम प्रसंग में थे, दोनों एक साथ जो है लिव इन में रह रहे थे और इसी दौरान जो युवक है वो पीड़िता के साथ बर्बरता करता था। हालांकि पुलिस इस बात से नकार रही है कि बर्बरता की शिकायत युवती ने की थी, लेकिन इसके बाद जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले से पुलिस जो है पूरी तरह से अनभिज्ञ बता रही है और पुलिस का कहना है कि जब युवती बीमार हो गई, जब उसको इलाज के लिए बिलासपुर भेजा गया, तब मर्ग डायरी के माध्यम से उनके पास जानकारी पहुंची। लेकिन एक तरफ वीडियो जो है महिला अपने मृत्यु सैया से पहले जो वीडियो जारी कर रही है, अपने भाई को अपनी परेशानी बता रही है, उसमें स्पष्ट कह रही है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पुलिस इन पूरी जानकारी से जो है अनभिज्ञता बता रही है। ऐसे में पुलिस की जो जांच है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो मरने वाली लड़की है उसने वीडियो बनाया है, अपना शिकायत जो है थाने में दी है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसको नकार दिया। नतीजा यही निकला कि आज जो बहुत है बहुत शुक्रिया हरपाल युगल आपका जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाएंगे इंदौर गौरव दिवस कार्यक्रम की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। आप इंदौर से इस वक्त देख रहे हैं, इंदौर गौरव दिवस है और उसका कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। विश्राम का प्रावधान ही नहीं, कंस का विध्वंस किया, कृष्ण ने अपना वचन पूर्ण किया। काल यवन को भस्म करा के श्रीपति बैठे द्वारिका आके, तीनों लोग परम आह्लादित गुण यश द्वारिकाधीश के बैठे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।